असलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज तस्कर हिया। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ YouTube पे बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने वीडियो जो है अपलोड किए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी तुर्की जो है वो अपना बॉर्डर ओपन करने जा रहा है। मज़ल के साथ उन भाइयों से जिन्होंने YouTube में वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें कहा गया है कि तुर्की अपने बॉर्डर ओपन करने जा रहा है। देखो भैया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दें सही दें, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि जी तुर्की बॉर्डर ओपन करने जा रहा है, तो क्या उसके बाद यूरोप में दाखिल हुआ जा सकेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप ये देखें कि तुर्की कहाँ, यूरोप किधर, ठीक है, बहुत दूर है। अगर आप समझते हैं कि जी तुर्की का बॉर्डर ओपन हो गया तो हम यूरोप में घुस जाएंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यहाँ पर चले जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जितना पाकिस्तान से हॉलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह है, उससे आधे रास्ते में आपका यूनान और टर्की आता है, और वहां से आप ये मत समझें कि अगर टर्की जो है उसने बॉर्डर ओपन कर दिए तो वहां से कहीं से भी किसी यूरोप कंट्री में आया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि तुर्की अगर बॉर्डर ओपन करता है तो आराम से घुस जाएंगे, कोई किसी घर थोड़ी के घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अगर आप समझने की कोशिश करें कि तुर्की जो है वो बिलियंस के हिसाब से डॉलर लेता है यूरोप से, यूरोप उसको पैसे देता है, क्यों देता है? कि वो जो पनागुजीन है, जो माजर है, उसको तुर्की ने पनाह दी हुई है, उसके तुर्की पैसे देते, तुर्की को एहसान नहीं किसी के ऊपर कर रहा, मजर के साथ तुर्की बहुत पैसे ले रहा है यूरोप के साथ। वो क्या करता क्या है हमेशा, पिछले साल भी आप देखें 2018 में 2017 में तुर्की जो है यूरोप को ब्लैकमेल करता है कि मैं जी मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं बॉर्डर ओपन कर दूंगी, क्योंकि जो आप मुझे फंड दे रहे हो इनफ नहीं है। आप ये चीज समझने की कोशिश करें, हाल ही इस खबर पर ना जाएंगे तुर्की जो है बॉर्डर खोल देगा। तुर्की हमेशा ऐसे करता है, हर साल हर छह महीने बाद कोई ना कोई ऐलान कर देता है जी वो विल ओपन आवर बॉर्डर्स, तो वो यूरोप को डराता है कि मैंने अगर बॉर्डर खोल दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये उन्होंने उसको इसलिए पैसे देते हैं यूरोप वाले तुर्की को कि तो लोगों को वहां पे रखे, लोगों को जो उसने रखा हुआ है वो सारा फंड दे रही है आपकी जो है यूरोपियन यूनियन जो है वहां पे लोगों की जो है केयर की जा सके और उनको खाना पीना जो शेल्टर मुहैया किया जा सके। तो मेरे दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज जब भी कोई आप वीडियो बनाएं उसमें एक पहली बात तो ये, आप अपनी खबर को जो है वो रीचेक जरूर किया करें। ऐसे आप जिस तरह मैंने देखा बहुत सारे लोग खुश है पाकिस्तान में जी तुर्की जो है बॉर्डर खोलने जा रहा है, और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं वीजा मिल जाए ताकि तुर्की बॉर्डर खोलने से पहले पहले हम तुर्की में पहुंचे, उसके बाद हम यूरोप में जाए। तो यार वो जब आएंगे पैसे खर्च करके या डंकी लगा के तुर्की में, तो आगे ऐसा कोई मामला नहीं होगा तो उन पे क्या गुजरेगी, कितना किस्म का धोखा है आप पे, इनके कुछ चंद व्यूज के लिए आप एक किस्म का धोखा कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, अगर आप ये उनको बता रहे कि तुर्की बॉर्डर खोलने जा रहा है, साथ आप ये भी बताएं कि अगर बॉर्डर खुलेगा और क्यों वो खोलने जा रहा है, क्यों वो कह रहा है खोलना, और खोलने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोप में जाया जा सके, तो इस तरह कुछ नहीं है। तो मुझे दुख हुआ सुन के, क्योंकि मेरी हमेशा हर वीडियो में यही मैं पैगाम देता हूँ, मैं अपने भाइयों के एजेंटों से बचा सकूँ, मेरे भाई जो एजेंटों के जरिए जो है जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यार आप भी प्लीज़, मेरी गुजारिश है उन सब भाइयों से जो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, आप अपने भाइयों को बचाएं चीजों से। अब देखें आप में और एजेंट में क्या फर्क रह गया कि आप सेम वही चीज कह रहे हैं। एक देखें, मैं नहीं कह रहा कि आप को पैसे ले रहे हैं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रीचेक जरूर किया करें और पूरी खबर दिया करें। आई होप आप मेरी किसी बात का जो है माइंड नहीं किया होगा, और हम सबको मिलजुल के काम करना है, हम सब पाकिस्तानियों को मिलजुल के काम करना है। हमें ये जो एजेंट हमारे भाइयों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, इवन आप लोग भी जो आए हुए जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, आप भी पता है आप कितनी मुश्किल से आए हैं, कितने धक्के खा के हैं, आपको मुझसे ज़्यादा आपको एहसास और आपको पता है कि क्या हुआ है, कैसे होता है और कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो मैं कहता हूँ आप ज़रूर वीडियोज़ बनाएं, लेकिन ऐसे तरीके से वीडियो बनाएं ताकि एक तो हमारे भाइयों को पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिले, दूसरा ये फिर वो डिसीजन उन पे छोड़ दिया जाए जी को वो क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँगा जी तुर्की बॉर्डर खोलने जा रहा है, फिर ऑफकोर्स हर बंदा ये सोचेगा वो बॉर्डर खोल रहा है, चलो 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 वहाँ चलते हैं, फिर यूरोप में पहुंचेंगे। तो आप ये भी मत जो है वो समझे कि अगर तुर्की ने बॉर्डर खोल दिया तो यूरोप तो बहुत दूर है, तो कैसे यूरोप में आएंगे वो, या कोई घुसने देगा यहाँ पे, तो इस तरह नहीं किया करें। आई होप
आपने मेरी किसी बात का जो बुरा नहीं बनाया होगा, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजर चाहता हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक कीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो सोशल मीडिया के जरिए मुझसे अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। तस्करी हो जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।